हेलो गेमर्स, वेलकम टू MMOTO गेमिंग। तो जैसा आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा और चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ लिया होगा, आज से हम चैप्टर 5 खेलना स्टार्ट कर रहे हैं अनचार्टेड 3 में। पिछले चैप्टर में आपने देखा होगा लंदन के अंडरग्राउंड में हम पहुंच चुके थे विद माई गंजा फ्रेंड एंड मिस्टर सॉली। देखते हैं आगे क्या कुछ हमें मिलता है। यहाँ पे अंडरग्राउंड है तो अंधेरा होना लाजमी है। ओके, गेट हमें मिला है, चलिए मिल के खोलते हैं। ओके, गिव मी अ हैंड। खुल नहीं रहा है, लगता कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, कुछ चीज काउंटर वेट में स्टक हो रही है। One of us should climb up there and see वहां जाकर उसको निकालना पड़ेगा आई थिंक। तो जाना तो मुझे ही पड़ेगा क्योंकि मैं हीरो हूँ। ठीक है, देखते हैं कोई रास्ता ऊपर जाने के लिए जो कि हम काउंटर वेट को फ्री कर सकें वहाँ से। ओके, लैडर मिल गई है, बहुत अच्छे। चलते हैं ऊपर, देखते हैं। वेरी गुड। ओके, तो ये एक तरह से मुझे लगता है फायर हाइड्रेंट वगैरह या कुछ, ये गैस पाइपलाइंस हैं या फायर हाइड्रेंट पाइपलाइंस है। आई थिंक सो कि फायर हाइड्रेंट वगैरह की कुछ ये पाइपलाइंस बिछी हुई हैं जो कि फंस रही है काउंटर वेट पे। ओके, ब्रोकन है इसलिए फंसी हुई है। चलिए, पहुंच चुका हूँ मैं अपनी लोकेशन पे। इसको रिमूव करते हैं। चलो सॉली, एक बार फिर से ट्राई करो, शायद काम बन जाए। ओके, काम बन गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ, तुम भी अंदर आ जाओ। चलिए मैं भी, अच्छा मुझे ऊपर से ही जाना होगा। ठीक है, ये भी सही है गुरु। ओहो, काफ़ी हाइट पे हूँ भैया, अगर यहाँ से गिरे तो मौत निश्चित है। कोई बात नहीं। ओके, इजी। आगे से भी हमें जंप लेना पड़ेगा आई थिंक सो। ठीक है, हाँ वेरी गुड। अरे यार, नीचे कोई आ रहा है। शिट, नीचे कोई है। गार्ड्स वगैरह कुछ आए हैं, दो फ्लैश लाइट लेके जो घूम रहे हैं। मैं तो ऊपर हूँ तो ऊपर से मैं क्या शूट कर सकता हूँ क्या इनको? तो भाई नॉकआउट करो ना उनको, दो दो बंदे हो तुम। करते रहो भाई, मैं चला, मुझे और भी काम है। ठीक है, बहुत अच्छे, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहूँगा। जंप, यस वेरी गुड। सामने दीवार हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी तक तो सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है भाई। कोई और बंदा भी आया क्या? फिर दो गार्ड आ गए या एक गार्ड है या दो गार्ड हैं? अच्छा, इनको इनको किसी ने अंदर घुसते हुए देख लिया लगता है। इसको मुझे नॉकआउट करना पड़ेगा भाई, एकदम स्लोली। ओके, भाई वैसे बताने की जरूरत थी नहीं, मुझे पता था प्रेस ओ से। ओके ओके, चलते हैं आगे। अच्छा, तो यही वो कार थी, आपने पिछले चैप्टर में जैसा देखा होगा हम इस कार का पीछा कर रहे थे। यही वो कार है भाई जिसके पीछे इतना बवाला हो रहा है। वर्ल्ड वार के टाइम पे यूज हुई थी क्या? 200 years ago, सॉरी 200 years पुरानी। ये एक तरह की केव कह सकते हैं इसे या टनल। यस, टनल। दो गार्ड और आते हैं, इनको निपटाते हैं। चलो, प्रेस स्क्वायर। ठीक है, इजी पीजी। भाई रुको मत, चलते रहो।
आगे चलोगे तभी तो मिलेगा। Stonework. क्या प्रसाद? 16th century. आगे डोर दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन शायद लॉक इधर तो। अच्छा, स्टेयर से ऊपर। वेरी गुड। अप दिस वे। चलो चलो चलो, क्वाइटली। हे, ओवर हियर। क्या है वहां पे भाई? शर्ट तो कम से कम चेंज करके आते यार, पिछले चैप्टर से यही शर्टें पहनी हुई है तुमने। तुम्हारे खून के दाग तक से। अच्छा, ये आंटी शेठ, ये तो वही आंटी है। आंटी ने तो ड्रेक से रिंग ली थी, आई मीन लेने की कोशिश की थी। और ये ठीक है, ये कंपस टाइप जो है ये भी ड्रेक ने चुराया था। अच्छा, ये रिंग इसमें लगेगी। ये एक तरह का पजल है क्या? क्या हुआ आंटी? रिंग नकली है क्या? क्या बात कर रहे हो? It's a forgery. What? ये कब किया? That's not possible. I verified it myself. अच्छा, हाथ की सफाई दिखाने में तो बचपन से ही भाई। I held it in my hands. I saw him put it around. ऐसा ही कुछ किया था उसने। बहुत तेज हो रहे हो। Cutter. आंटी को पता लग चुका है कि ठीक है, ये आएगा जरूर, ये रिंग या कंपस लेने। लेकिन आंटी, रिंग तो लेके चलेगी लेकिन कंपस लेके नहीं गई है क्या? कुछ सोचने वाली बात नहीं, क्योंकि अगर वो रिंग उस कंपस में लगती है, आंटी रिंग तो ले गई जो नकली है, लेकिन कंपास जो असली है वो वहीं छोड़ गई है, कोई ट्रैप तो नहीं? ओके, ले भाई, स्वीट ड्रीम्स। चल भाई तू भी चल, 72 हूरों के पास मिलते हैं। ओके, तो हम यहाँ करने क्या हैं? This is quite the operation they got going here. अच्छा, ओरिजिनल रिंग तो क्योंकि मेरे पास है तो कुछ बात बन सकती है। कुछ तो मिलेगा भाई, कुछ तो मिलेगा भाई। कितनी बड़ी स्पाइडर। हाँ भाई, हाँ ठीक है ठीक है, फोकस कर रहे हैं। रुको जरा, सब्र करो। अच्छा, ये बुक भी रखी है कोई, किसी ट्रेजर से। अरे भाई, बहुत कुछ लिखा है इसमें तो। God, you know what this is? It's a book, mate. There's a lot of them in here. It's a Bible. ऐसा क्या है इस बुक में? Any book, wise ass. ठीक, लॉरेंस की बुक है भाई। लॉरेंस ऑफ अरेबिया। Very good. This was mailed from Dorset on the day of his motorcycle accident. May 13th, 1935. He must have killed them once they got their hands on it. They? Yeah, they. They, them, whoever these people are. Oh, what? They, them? A lot of rubbish. It was an accident. अरे कहना क्या चाहते हो? Witnesses saw a black car run him off the road. Guys. Oh, so it was like a big cover-up. Maybe. Nate. अच्छा हाँ, वो तो ठीक है ठीक है ठीक है। बुक को छोड़ो, अरेबिया को छोड़ो, पहले वो करो जो करने आए हो। अपनी ओरिजिनल रिंग निकालो और इस कंपास के साथ मैच करो। हो गई, वेरी गुड। क्या इसमें कुछ क्लू वगैरह कुछ मिलेगा क्या? मतलब आगे कुछ कंपास में। अच्छा, कुछ सिंबल से बना रखे हैं भाई घुमाने पे। H, कुछ कोड वगैरह है क्या? L O H D N, क्या मतलब इसका? Long? Long? What? What? Shush! No shit. Long hidden? Are you kidding me? No offense, mate, but your ancestor was a right asshole. Just shut up. It's an anagram. भाई इसमें उसके ancestors की क्या कहलती है भाई? Golden Hind. The Golden Hind. Golden Hind. Yes.
हाँ ये तो बात समझ में आ रही है, लेकिन लॉन्ग हिडन नहीं समझ में आया था कुछ। हाँ ठीक है, मतलब कुछ चीज़ यहाँ पे ऐसी हाइड है जिसे हमें ढूंढना है। ओके गोल्डन हाइंड, ठीक है देखते हैं अपनी बुक में। गोल्डन हाइंड एक सिप है, एक मिनट देख लूँ पहले क्या कुछ है आगे पीछे। Buckland Abbey, it's a place you've never been there before. ये सब तो पुरानी चीजें हैं भाई। What is a chair there made from the wood of his ship? ये वही आंटी की फोटो बना रखी है भाई इसने। I suppose it could be, but बहुत बढ़िया। No, no, it's got to be here. हाँ तो जैसा कि यही था वो। This place is amazing. Very good. हाँ तो जैसा कि ड्रेक के सिप में गोल्डन हैंड नाम का एक अच्छा एक डियर का कुछ अच्छा डियर बना हुआ रहता है उसकी सिप पे, तो मतलब डियर वाली जो गर्दन है आगे की वो हमें ढूंढनी है। जैसे यहाँ पे कई सारे लगे हैं स्टैचू से, ये कुछ पीछे शेर का क्या है भाई। ओके टाइगर, टाइगर भी मिल गया। पीछे कोई भैंसा टाइप का कुछ था शायद, और ढूंढना है हमें। ये तो कुछ हिरन वगैरह टाइप का कुछ है शायद, ठीक है ये भी नहीं है। पीछे लॉयन है वो भी नहीं है। ओ मेरा सामने, वेरी गुड। चलो चल के देखते हैं क्या कुछ है इसके अंदर छुपा हुआ राज। ये राज राजी रहने दो। अरे भाई क्या चक्कर है, फिर से जाना पड़ेगा, फिर से अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। ओके आराम से जंप करूँगा अब की बार भाई। अरे ऊपर नहीं भाई, इधर कूदना है। पीछे 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 क्या कर रहा है यार। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। भाई तो भाई तोड़ मत दियो उसे, इससे ट्रैप भाई। ये तो मैंने पहले ही कहा था। ओ ओ ओ रुक जा रुक जा रुक, तेरी ले ये ले, तू भी ले। जाता कहाँ है साले। ओ शिट, ओ भाई कहाँ छुपा रखी, देख रहे इतना दिमाग चला रखा आंटी ने। रस्सी बूढ़ी होगी पर बल नहीं गया। रुक जा भाई, गोलियां बाद में चला लिया, दो मिनट पढ़ तो लूं, देख तो लूं क्या है उसमें। तुम्हें ज्यादा जल्दी है यार, मुझसे ज्यादा जल्दी में तो तुम हो। गोली चला रहा ओ भाई भाई जाता कहाँ है साल। गोलियां भी नहीं लेने देता तू तो ढंग से, खा लिया तो फाइट करूंगा उनसे। रुक जा चलते हैं। ओ ओ रुक तेरी रुक तेरी रुक तेरी भाई, इनके तो हेडशॉट में भी एक में बंदा मर नहीं रहा क्या। ऐसा कौन सा आर्मर पहना हुआ इन्होंने सर पे, वो भी खाली सर पे। भाई और आगे Shit, they're everywhere. They are everywhere. Damn ambush. Cover me. You got it. चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, we're gonna get out of here, Knight. थोड़ी सी फाइट भी जरूरी है। क्योंकि ये ऐसा चैप्टर लग रहा है मुझे जिसे इतनी फाइट होगी जिसमें, वरना पिछले चैप्टर में तो ओ भाई ओ ओ, ओ इतने पास नहीं आना भाई, इतने पास में नहीं। हेडशॉट मिस करता मैं। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा
क्या बंदे बहुत सारे आ रखे हैं। चल 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 चल, क्लियर है क्या? चलता रे भाई, रुक मत। ओ, इतने पास। हाँ भाई, ठीक मूवी में तो रुक तो जा। जो गोलियां मार रहे उसका क्या? एक एक करके आओ सालों। भाई ते आदमी है क्या है? थोड़ा सा हार्ड सा एम, थोड़ा हार्ड होगा। अरे वाह, इस पे बड़ी हेडशॉट लगा। तुम तो कतई मेरे पीछे पीछे भाई मार लो एक आध बंदे को तुम भी। सब कुछ तुम्हें फ्री में चाहिए। मैं देख नहीं रहा मेरे हाथ में क्या है। अच्छा, उसके पास भी वही था, निशाने नहीं है ना तेरे पास। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, तो लेजर वाले भी आ गए। भाई नेड वगैरह ना कर दे बस। दिक्कत बढ़ जाएगी भाई, दिक्कत बढ़ जाएगी भाई। फाइट चल रही है भाई, खतरनाक ही सीन चल रहा। फैट हो रही है भाई, पूरी फैट। क्या मेरा इंतजार में था क्या दोनों को? आ जाओ, आते क्यों नहीं हो यार? आगे भी मैं ही जाऊंगा, मारूंगा भी सबको मैं ही। बस तू गो 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 करता रहिए पीछे से बुड्ढे। ओ भाई रुक 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 रुक। अरे यार ये फिर ठीक है ना, इसके पास में सिलेंडर था तो मेरे दिमाग में पहले से क्यों नहीं आई ये स्कीम? ऐसे तो कुछ भी नहीं हुआ। भाई कौन से लेवल का आर्मर पहना हुआ इन्होंने? आ जाओ जल्दी आ जाओ, सीढ़ियां चढ़ने में दो दिन लगाओगे खुद तो। जाना कहाँ? ओ भाई पीछे से पड़ रहे लेजर। भाई इधर नहीं, उधर चल जाता चल। कहाँ गया? रुको रुको रुको, जरा सबर करो, आने तो दो। चिके जान लोगे क्या? अब बोल। ये लेजर वाले साले स्मोक मारे, स्मोक में गायब हो जा रहे। कोई रेलवे, अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है क्या ये कोई इसी टाइप का? भाई रुक 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 रुक, रिलोड तो कर लें दे या फिर रिलोड तो। अबे थोड़ा सा सफर कर ले, बड़ी जल्दी है तुझे भी। हवा तो बड़ी तेजी से आ रही तू। चलो 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 चलो, जल्दी आओ। पीछे मत देखो, आगे देखो भाई, आगे भी ध्यान रखो, आगे आगे। कीप मूविंग, देख बंदे आगे से आ रहे, ये दोनों पीछे देख रहे यार तुम।
किस लेवल का चुटिया है। भाई साहब बहुत है यार, कसम से कह रहा हूँ मैं, बहुत है। चार बंदे तो मारे गए। भाई एक में तो गोलियां खत्म हो गई, इतनी गोलियां चला दी मैंने। गोलियां मिलना बहुत जरूरी है आगे, इसकी वजह से जान भी जा सकती है। अरे यार ताने क्यों नहीं लग रहे, लग रहा दोबारा से कंचे खेलने पड़ेंगे। भाई क्या चक्कर है, रुक जा रुक जा, खड़ जा भाई खड़ जा। हाँ भाई ठीक है, सोचो तब भी करूँगा। हाँ तो मैं सुन चुका हूँ ना, कौन सा वो कह, कौन सा तू कह रहा था, क्या कौन था, तू था। अच्छा एक तो बड़ी मुश्किल से भाई पीछे से गोली मारी थी सुनी तो आए डर। यार ये लेजर वाले फिर आ गए, तुम करना क्या चाह रहे साले, ओरिजिनल आईडी से आओ, छुप छुप के मार रहे हो लिखने वालों। गया क्या, जल्दी 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 भाई जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। क्या आ गया, ओ ओ ओ एक नहीं दो, गोली पड़ने के बाद इतना नास्तिक है। अच्छा क्या गया, लॉकडे हट जा पीछे, खोल 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 जल्दी खोल, जल्दी कर जल्दी कर। ओके ओके ओहो बड़ी जल्दी आई हो तुम, पहले से ही बाहर खड़ी थी क्या। ये हम तो चले, अब क्या ताक रहे हो। मैं तेरे जोक नहीं खत्म होते, बुढ़ापा आ गया तेरे पे भी, 70 साल का हो गया पर तू तू और तेरे वल्गर जोक। Are you going to join us, darling? Yeah. Yeah. Well, the map proves it. Drake didn't screw around in the East Indies for 6 months. He sailed straight through and headed to Arabia. Right. But here's where it gets interesting. You see this mark? This is John D's signature. Who the hell's John D? John D, one of Queen Elizabeth's closest advisors. Everybody knows that. Yeah, he was a great mathematician and navigator. Okay, way ahead of his time. He's probably the one who invented that. Seriously into the occult. I mean, like a really creepy dog. Yeah, see, he signed all his letters to the queen. See, John D. का मैप लेके आया। John D. 007 क्या बात कर रहा? Not really that relevant. So it was John D. who sent Drake to Arabia. John D. ने भेजा था? Drake को? D. and Elizabeth. Drake's ancestor को? Arabia. Great, but what for? Well, that's the million-dollar question, isn't it? And this is where T.E. Lawrence comes in. See, before Lawrence became Lawrence of Arabia, great film. Achcha ji. He was an archaeologist. And even when he was just a kid, he was obsessed with history. Everything to do with knights and crusades. And he traveled all over documenting every crusade. Lawrence jo ki Arabia ka king tha ya matlab kuch aisa hi. But uska aur Drake se. See, after the war, Lawrence said that if he were ever to go back to Arabia, it would be to search for this place he called John the Atlantis of the Drake. Saints. Now the legend crops up over and over again under different names. Ubar, Aram of the Pillars, the City of Brass. But the story is always the same. मतलब कई सारे लोग इसके पीछे आए हैं, इस ट्रीजर के पीछे। और ट्रीजर जो है मुझे लग रहा है ये है अरेबिया वाला ट्रीजर। रूबकाली, अब ये कौन आगे बंदा। भाई मतलब बहुत सारे लोग इस ट्रीजर के पीछे पागल हुए हैं।
किसी ना किसी तरीके से उसको पाने के लिए, उसको डिस्कवर करने के लिए, पर कोई कर नहीं पाया। उसी के पीछे वो जो बुढ़िया आंटी हैं, आंटी उसी के पीछे लग रही है, और ये भी उसी के पीछे लग रहे हैं। आधा क्लू ड्रेक के पास, आधा लॉरेंस के पास, and Marlo has nothing. Small problem. The Rubicali Desert, 600. भाई डेजर्ट में जाना पड़ेगा क्या? The Bedouin go around the damn thing. क्या कह रहे हो? Which we don't. We will die trying to find just it. Just hold on. You see these symbols here? Yeah. Looks like Sabaean script. Script. Right. Look, the Crusaders were searching for the same lost city 1,000 years ago. But out of all the sites Lawrence documented, only two are marked with these symbols. Syria में है एक और दूसरी France में. The other in France. अच्छा उससे related. इस मैप से रिलेटेड जो दो क्लू हैं वो एक सीरिया में है और एक फ्रांस में। ठीक है तो दो ग्रुप बन चुके हैं अब, सॉली और ड्रेक और गंजा अंकल और Let's do it. दीदी का नाम नहीं याद आ रहा यार। अच्छा ये चैप्टर मेरे को लग रहा है भाई खत्म ही होने वाला है। ईस्टर्न फ्रांस, ठीक है दोनों फ्रांस में आ चुके हैं। और चैप्टर खत्म होने से पहले यार आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, लाइक भी कर देते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार चैनल को। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाओ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो, पसंद आए ऐसे ही और वीडियो के लिए तो लाइक और कमेंट भी करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बने रहने के लिए इस वीडियो में। अरेबिया के ट्रीजर का पीछा करते हुए फ्रांस के जंगलों में मिलेंगे अगले चैप्टर में। खत्म।